अबू गैरन साहब, तुमने मेरी टांगे छोड़ दी। और ये क्या किया तुमने? उसकी टांगे नीचे दे दी। अरे मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। तुमने कहा भी था कि गाड़ी मुझे चलाने दो, अब देखो क्या कर दिया तुमने। मेरी टांगे। अच्छा जल्दी करो, सीट तब्दील करो, जल्दी करो। देखो अब तुमसे कोई भी पूछे ना कि गाड़ी कौन चला रहा था, तो तुमने कहना गाड़ी मैं ही चला रहा था। अरे तुम मेरी गलती अपने सर क्यों ले रहे हो? मैं नहीं चाहती मेरी गलती की सजा तुम्हें मिले, ये मैं नहीं होने दूंगी। ओ पागल, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, और अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया और लाइसेंस ना होने की वजह से तुम्हें ज्यादा सजा हो सकती है, और मेरे पास तो लाइसेंस है ना, अगर मैं पकड़ा भी गया तो मुझे कुछ नहीं होगा। ओ मेरी टांग है, ओ मेरी टांग है। अंधेरा, तुमने इस बेचारे की टांगे तोड़ दी है। अरे भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो गाड़ी। तो कैसे तुम्हारा कसूर नहीं है? मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ, वो आकर तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा कसूर कैसे नहीं है। अरे अरे भाई अब छोड़ो ना पुलिस का चक्कर, हमसे कुछ पैसे ले देंगे, ये मामला रफा दफा करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक तो उस बेचारे की टांगे तोड़ दी है, ऊपर से उसे बेजारो मददगार छोड़कर जाना चाहती हो। देखो भाई आप कुछ पैसे इसके इलाज के लिए भी ले लो और कुछ अपने लिए भी ले लो, और प्लीज हमें जाने दो। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ फैमिली है इस वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अरे भाई बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, उसके इलाज पे कम से कम 2 लाख रुपया खर्च आएगा, जल्दी से बंदोबस्त करो 2 लाख रुपए का। 2 लाख? 2 लाख? इतने ज्यादा पैसे हम कहाँ से लेके आएंगे? जहाँ से मर्जी लेकर आओ, उसकी टांगे तोड़ दी है तुम लोगों ने, पैसों का बंदोबस्त करो वरना पुलिस को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं तुम प्लीज पुलिस को कॉल मत करो, मैं पैसों का बंदोबस्त कहीं से करती हूँ। अरे भाई अब जल्दी से कॉल करें और पैसे मंगवा लें। जी सर, हमने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया है, और जो उनके ऊपर इल्जाम था वो भी सच साबित हुआ है। हमें सब पता है कि तुम गरीब लोगों को कैसे लूटते हो। सर सुनने में आया पुरानी हवेली के पास कुछ बंदे आम शहरियों को नए तरीके से लूट रहे हैं। नए तरीके से आम शहरियों को कौन लूट रहा है, क्या मतलब है तुम्हारा? सर ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन एक मुखबर ने बताया है कि पुरानी हवेली के पास कुछ लोग आम शहरियों को लूट रहे हैं। मैं कल ही जाके पता लगवाता हूँ कि कौन लोग हैं जो आम शहरियों को लूट रहे हैं। लेकिन सर हमारे पास उनके खिलाफ अभी कोई सबूत नहीं आया। अरे तुम बेफिक्र रहो, हम स्पेशल ब्रांच वाले हैं और बगैर किसी सबूत के हम एक्शन नहीं लेंगे। तुम लोगों ने क्या समझा कि तुम लोगों को लूटते रहोगे और पुलिस तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी? चलो थाने। बिल्कुल, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपकी सोच भी नहीं पहुँच सकती। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।